अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ मेरी प्यारी यूट्यूब की फ़ैमिली बिल्कुल ठीक हो। तो व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ जी। नाश्ता हो गया था सुबह, उसके बाद आज मैंने सारी करनी थी क्लीनिंग, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं करती हूँ। सबसे पहले मैं आपके साथ ये शेयर करूँ कि यहाँ पर जो विंडोज़ हैं ना, अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि इतना बुरा हाल हो जाता है इनका। और मैं कपड़े से भी साफ़ करती हूँ जो डस्टर होता है, उसके अलावा वाइप्स से ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे साफ़ करना, क्योंकि अभी मैंने वीडियो बाद में स्टार्ट किया। एक बार मैं कपड़े से साफ़ कर चुकी हूँ, लेकिन इतना बुरा हाल होता है यहाँ पे कि आप यकीन नहीं करेंगे। जो लोग यहाँ पे रहते हैं ना, वो सिर्फ समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हाल होता है। अदरवाइज़ मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि बिल्कुल काली हो जाती है और इतना बुरा हाल होता है। आप ये देखें, यहाँ पे इतनी ठंडी हवा चलती है, इतनी ठंडी हवाएं होती हैं कि थोड़ी देर से ज़्यादा मैं विंडो नहीं खोल सकती हूँ, क्योंकि अभी मैं इस मौसम की यूज़ टू नहीं हूँ। बॉडी पेन भी होता है, छींकें स्टार्ट हो जाती हैं, सर्दी लग जाती है मुझे, फिर हर दूसरे दिन बुखार भी हो जाता है। तो सारा टाइम विंडोज़ यहाँ पर ओपन करना इम्पॉसिबल है। थोड़ी देर आप खोल लेते हो, लेकिन उसके बावजूद भी इतना बुरा हाल हो जाता है कि आज मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। हालाँकि मैं बीच में करती रहती हूँ, हफ्ते में 1 से 2 बार लाजमी करती हूँ। तो कपड़े से भी कर ले, उसके बाद आप ये देखें वाइप्स से मैं कर रही हूँ। और अभी थोड़ी देर के लिए धूप निकली है, तो अभी उस्मान भी घर में हैं, तो उनको मैंने कहा कि आप चलें, मैं आपको धूप में थोड़ी देर के लिए जगह वहाँ पे बना के देती हूँ, आप वहाँ पे बैठें। और धूप निकलती है तो बस मेरी भी कोशिश ये होती है कि थोड़ी देर के लिए मैं धूप जो है वो लगवा लूँ। तो ये मैंने अभी सारी साफ़ की हैं, और ये देखें बिल्कुल गीली गीली सी रहती हैं। उसके बाद मैं बेडरूम में आ गई, क्योंकि धूप मैंने आपको बताया कि मेरा जो ये वाली साइड है ना, यहाँ पर ज़रा ज़्यादा आती है। तो आज जब धूप आ रही थी, तो मैंने सबसे पहले तो यहाँ की विंडो साफ़ की, उसके बाद फिर मैंने उस्मान को कहा कि अब आप बैठे यहाँ पे, और थोड़ी सी ये है कि धूप आप भी लगवाएं। आज वो नहीं गए हैं क्योंकि क्लास ले रहे थे। और हाँ, मुझे बहुत सारे कमेंट्स पहले भी आ रहे थे, अभी भी आ रहे हैं कि उस्मान के लिए आपने कोई जगह नहीं बनाई, कोई डेस्क सेट नहीं किया। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हम अब यहाँ पे फर्नीचर वगैरह कुछ भी नहीं ले रहे हैं, और मैं उस्मान को कहती भी हूँ तो वो कहते हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं लेना। मतलब कि जो मेरी ड्रेसिंग थी या ये चीज़ें थी, ये तो मैंने वैसे भी लेनी थी, क्योंकि कोई चीज़ हमारे पास नहीं ऐसी थी, शीशा भी नहीं था, तो वो तो हम तंग हो रहे थे, और वो इतना भारी भी नहीं था हम लेकर आए थे। लेकिन जो बड़ी चीज़ें हैं वो लेकर आना ऊपर बहुत मुश्किल होता है, और उस्मान अब कहते हैं नहीं, छोटी चीज़ें जो अपनी लेनी है ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन बड़ा जो सामान है या बड़ा फर्नीचर है वो नहीं लेना। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें उठा रही हूँ। डाइनिंग टेबल जो है, नाश्ता हमने कर लिया था, और अभी साथ साथ मैं ये सारी उठा के और समेट लूँगी, किचन में लेके जाऊँगी। तो इस वजह से वो मैं वहाँ पे नहीं रख रही हूँ ना सेट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे घर नहीं भरना। हाँ, बर्तन चीज़ें ये छोटी छोटी होती हैं जो आप कहीं भी सेट कर लेते हो, लेकिन बहुत बड़ा फर्नीचर जो है वो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि अभी देखें हम कब तक यहाँ पे रहते हैं, कितना रहना है, किस तरह रहना है, ये तो अभी अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। ये एक रीज़न है वो नहीं लेने देते। और दूसरी एक और रीज़न, अब बुक्स वाला हिसाब तो बहुत ही कम हो गया है। यूनिवर्सिटी जाते हैं लाइब्रेरी में, और सब कुछ लैपटॉप पे या फिर होता है मोबाइल पे। क्लासेस अगर ऑनलाइन होती हैं तो मोबाइल पे होती हैं या फिर लैपटॉप पे होते हैं, तो वो हिसाब है ही नहीं कि आपने राइटिंग करनी है या आपने वो जो हम पहले अपनी टेबल्स और इस तरह से बना के रखते थे। मेरा काम ज़्यादा होता है, तो मेरा बड़ा दिल है, मैं उस्मान को अभी भी कहती हूँ उस्मान एक ले लेते हैं डेस्क और वर्क स्टेशन बना लूँगी आपकी स्टडी के लिए, ऐसी कोई जगह सेट कर लेंगे, लेकिन वो कहते हैं नहीं अभी नहीं लेना। अच्छा जी, तो फॉइल जो है ना वो मैंने चेंज नहीं की, और क्योंकि अभी मैंने कहा चलो एक आध दिन और निकाल लेती हूँ, तो उसको मैंने साफ़ कर लिया। और स्प्रे मैं लेकर आती हूँ ग्रीस वाला, तो उससे मैं साफ़ करती हूँ चूल्हे, मुझे वैसे चूल्हे ऐसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, हरी मिर्चें मैं लेकर आई थी और कुछ सब्जियाँ मैं लेकर आई थी, तो ये वन बाय वन मैं डेली बनाऊँगी। और मैं कैसे सेव करती हूँ वो मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ काफ़ी बार, और अभी मैंने ये बनानी है, तो बस मैं उनको नहीं छेड़ रही हूँ, वो वैसे ही मैंने रख दी थी। और ये जो हरी मिर्चें, धनिया और कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, अदरक भी है, लहसुन हो गया, तो ये मैं फ़ौरन से जो है वो इनको इस तरह से रखती हूँ। और लिंक मैं आपको दे दूँगी, आप देखिएगा मैं किस तरह से क्या चीज़ स्टोर करती हूँ। इस तरह से मेरे आराम से 10 दिन 15 दिन भी चल जाते हैं, ख़राब नहीं होती हैं। क्लीनिंग मैंने सारी कर ली थी, और उसके बाद यहाँ पे जो है ना, अब मैं फ्रिज अपना सेट कर रही हूँ। मैं हर दूसरे तीसरे दिन फ्रिज जो है वो देखती हूँ, कोई चीज़ भी एक्स्ट्रा होती है या कोई भी अगर कहते हैं ना मैनेज नहीं होती है, प्रॉपर नहीं रखी होती है, तो मैं उन सबको सेट कर लेती हूँ, अरेंज कर लेती हूँ। तो हरा प्याज मैंने आधा काट के फ्रीज़ कर लिया, आधा अभी रखा हुआ है, तो ये भी मैं कुछ जो है ना वो निकाल के फ्रीज़ कर लूँगी। बस ये थोड़ा सा फ्रूट वेजिटेबल्स रखी हुई हैं,
टमाटर भी ख़त्म होने वाले हैं इंशाल्लाह ताला लेकर आऊँगी। हरी मिर्चें रख लेती हूँ और चिकन गोश्त जो है वो मैंने थोड़ा सा मंगवाया था वो भी रखा हुआ है, तो अभी मैं इनको वॉश करूँगी। लेकिन पहले बर्तन धोऊँगी, बर्तन सारे वॉश करने के बाद जब जगह सारी खाली हो जाएगी फिर उसके बाद मैं मीट जो है चिकन हो गया मटन हो गया वो वॉश करती हूँ। फ्रिज को मैं साथ के साथ कोशिश करती हूँ कि मैं रेगुलर क्लीन करती रहूँ, वैसे इतना गंदा नहीं होता लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ साथ इसको साफ़ कर लूँ। तो ये बस ऑलमोस्ट सारा साफ़ हो गया है और डीप क्लीनिंग मैं बाद में कर लेती हूँ, लेकिन यह है कि जो थोड़ा बहुत ये होता है ना, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इस तरह से, वो मैं साथ साथ क्लीन करती रहती हूँ। लहसुन अदरक का मैं पेस्ट भी बना के फ्रीज़ करती हूँ, और उसके अलावा अभी मैं ये आपको दिखाती हूँ इस तरह से मैं पीसेस में भी फ्रीज़ कर लेती हूँ। और आप यकीन करें कि एयर टाइट आप किसी भी चीज़ में रखते हो, बिल्कुल ना कलर ख़राब होता है ना टेस्ट ख़राब होता है। बस जब भी आपने पुलाव बनाना हो या आपने कुछ भी बनाना हो तो आप उसमें इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें जिप लॉक बैग में मैंने रखे हैं और ये बिल्कुल ठीक हैं, तो ये मैंने रख दी है इस तरह से। अब जो बाकी मैंने दो पैकेट्स निकाले हैं वो भी मैं इस तरह से काट के और रख दूँगी। अब जी साथ साथ मैं सारे काम वो हो गए, और आज मैंने वैक्यूम नहीं किया, वैक्यूम मैं बाद में करूँगी क्योंकि छोटे छोटे काम काफ़ी थका देते हैं, तो वैक्यूम मैंने सोचा कि मैं एक दो दिन के बाद करूँगी, अभी नहीं करती हूँ क्योंकि अभी घर साफ़ ही था, एक दो दिन ही हुआ है मैंने सारा साफ़ किया था। तो बर्तन जो है ना वो मैं अभी वॉश कर लूँगी, और बर्तनों में तो आपको पता है माशाल्लाह से काफ़ी बरकत होती है। साथ साथ मैं यहाँ पे उस्मान के लिए चाय बना रही हूँ क्योंकि आज वो घर में स्टडी कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलो मैं उनको चाय दे देती हूँ। और खाना तो हमने मतलब वही नाश्ता हो गया था, लेकिन अभी हम चाय पियेंगे। यहाँ पे सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो गई है और वैसे भी बर्तन मुझे लगता है गर्म पानी से काफ़ी अच्छे वॉश हो जाते हैं। उस्मान अपनी स्टडी कर रहे हैं और मोबाइल पे ऑनलाइन क्लासेस होती हैं जो कि वो ले रहे होते हैं, और साथ साथ उनका जो भी काम होता है वो देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे सारे बर्तन मैंने वॉश कर लिए हैं, फ्रिज मैंने आपको बताया सारा मैं खाली कर लेती हूँ, और जो बॉक्सेस थे चीज़ें थी कंटेनर्स थे, उस्मान का लंच बॉक्स भी, ये सारे मैंने वॉश करके रख लिए हैं ताकि ये जो है ना अभी जब ड्राई हो जाएंगे तो इनको मैं इनकी जगहों पर रख दूँगी। क्लीनिंग सारी डन हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह जी सारा साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन हो गया, पूरा घर साफ़ हो गया है। और ये हैं जी कपड़े जो कि मैंने अभी आयरन किए, और मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए। और वैक्यूम मैंने आज नहीं किया क्योंकि वैक्यूम जो है ना वो करूँगी मैं बाद में, वैक्यूम डे आज नहीं है। वॉशरूम भी क्लीन कर लिया है सारा का सारा, तो अभी ये मैंने आयरन किया है और मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए। फिर मैं नमाज़ पढ़ूँगी जोहर की, उसके बाद जी करेंगे लंच। और हाँ मुझे याद आ गया मशीन में कपड़े भी डाल दूँ या बाद में डालूँ, कुछ चीज़ें मैंने मंगवाई थी। और ये वाला रूम थोड़ा सा अभी रहता है तो ये भी अभी मैंने समेटनी है, सारी रखनी है। और सीरम जो है ये भी मैंने यूज़ करना स्टार्ट करना है, तो इसके टैग अभी भी नहीं उतरे, आप देखें मैं डेली सोचती हूँ और डेली जो है ना मुझे भूल जाते हैं। इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, शीशे में नज़र आ रहा होगा, तो ये जो है ना ये खैर मैं बाद में समेटूँगी। ये थोड़ी सी चीज़ें अभी बिखरी हुई हैं, ज़्यादा नहीं है थोड़ी बहुत बिखरी हुई हैं, तो इनको बाद में आके समेटती हूँ क्योंकि मुझे यही है कि बस नमाज मेरी कज़ा ना हो जाए। आज मैंने एक वीडियो शेयर किया है ब्लॉगर बर्ड लाइफस्टाइल पे, मैंने ऑनलाइन चीज़ें मंगवाई थी तो वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, और एक्सपीरियंस मेरा अच्छा गया, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें नहीं आई तो उनका मुझे काफ़ी अफसोस हो रहा है। तो आप ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं दे दूँगी, आप लोग देखिएगा अगर आपने देखनी हो, क्योंकि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि डिफरेंट वीडियोज़ मैं ब्लॉगर बर्ड लाइफस्टाइल पे शेयर करती हूँ। तो अभी मैं फ़्रेश हो गई हूँ और नमाज़ पढ़ूँगी, मैं लंच भी करूँगी, मैं काफ़ी लेट हो गया लेकिन थोड़ा बहुत मैं खाऊँगी क्योंकि सारा दिन काफ़ी बिज़ी गुजर गया है। और खाना बनाने से पहले, शाम को किचन में जाने से पहले मैं थोड़ा बहुत ज़रूरी दोपहर को खाती हूँ क्योंकि साथ साथ मेरा अपना व्लॉग एडिटिंग ये काम भी लगे ही रहते हैं, तो थोड़ी बहुत एनर्जी आपको चाहिए होती है।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, सारे आज घर के काम हो गए, घर भी साफ़ हो गया, मैं भी फ़्रेश हो गई। और उस्मान जो है ना, फिर वो दोपहर के बाद थोड़ी देर के लिए चले गए थे जॉब पे, उनको कॉल आ गई थी, क्लासेस ले ली थी, स्टडी भी हो गई थी, फिर उनको कॉल आई थी, तो बस वो चले गए थे थोड़ी देर के लिए, दोपहर के बाद ही गए थे। और उसके बाद फिर वो ये है कि अपने टाइम पे वापस आ गए थे। असर की नमाज़ पढ़ी मैंने, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा लंच किया, फिर उसके बाद जो है ना, मैं आ गई किचन में। आज मैं बनाऊंगी शलजम गोश्त, मुझे बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ी, मुझे वैसे भी सारी बहुत अच्छी लगती है। और आप ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। मेरी जब शादी हुई थी ना, तो मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था, बताया था कि मेरे हस्बैंड ये चीज़ें बिल्कुल नहीं खाते थे, लेकिन आप यकीन करें कि मैं माशाल्लाह से हर चीज़ खाती हूँ। और उसका क्रेडिट सारा जाता है मेरी मदर को, क्योंकि आपकी तरबियत में आपकी मदर का बहुत बड़ा हाथ होता है। और मैं, मतलब आप यूँ समझो, बहुत ही लाडली हूँ, एक ही बेटी हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरी अम्मी ने मुझे हर चीज़ खिलाई है, हर चीज़ खिलाई है। और कभी ऐसे नहीं होता कि मैं किसी चीज़ पे मुंह बनाऊं, अल्हम्दुलिल्लाह। यही वजह है कि मुझे रिस्क की कदर भी है। अल्लाह ताला रिस्क जो है वो किसी भी हालात में रिस्क देना कम नहीं करता, और हर चीज़ बहुत ही शौक से खा के मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने सारे काम कर लिए, आटा गूंद लिया, और चिकन भी मैंने सारा वॉश कर लिया, कुछ रख लिया, कुछ अभी ड्राई होगा तो पैकेट्स बना के मैं फ्रीज़ कर दूँगी। तो खाना जो है वो यहाँ पे साथ साथ बन रहा है। और आज मैं शलजम गोश्त बना रही हूँ चिकन में, फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। वैसे मैं मटन में बनाती हूँ, आज मैंने सोचा कि मैं चिकन में बना के देखती हूँ कैसा बनता है। अदरक भी सारी जो है ना, वो मैंने, आप देखें, साफ़ कर ली है, तो ये अभी मैं पैकेट में डाल के, ज़िपलॉक बैग में डाल के और फ्रीज़ कर दूँगी, और वॉश कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। बस जब जितनी चाहिए होती है मैं निकाल के और यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरह से ना बहुत इजी रहता है कि आपको डेली छीलनी नहीं पड़ती है। और बिल्कुल मेरा तो इसके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस निकाला, फ़ौरन से यूज़ किया, और ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो आप भी अपनी लाइफ को आसान बनाएं, क्योंकि मैं एक व्लॉगर भी हूँ, मेरा काम ये भी रहता है, सारे घर के काम भी यहाँ पे ख़ुद करने होते हैं। तो पहले भी मैं इस तरह से करती थी, थ्रू आउट जॉब में रही थी, तो मैं अपने लिए आसानियाँ ढूंढती थी कि चीज़ अच्छी भी हो, आपकी लाइफ भी आसान हो, टाइम भी आपका कम जो है ना वो खर्च हो, टाइम आपका कम लगे और आपके काम सारे हो जाएं। ये देखिए जी, माशाल्लाह से आज इतना अच्छा खाना बना था। तो मैं आपको बता रही थी कि जब फ़र्स्ट टाइम इस तरह से हुआ, मैंने शलजम बनाया ना शादी के बाद, तो मेरे हस्बैंड का मुंह, मतलब उनके एक रंग आ रहा था, एक रंग जा रहा था, लेकिन जब उन्होंने मेरे हाथ का खाया माशाल्लाह, तो उनको इतना अच्छा लगा कि उस दिन के बाद से, पहले एक दो बार मतलब उन्होंने इस तरह से किया कि मैं नहीं खाता या मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि होता है ना कि हर इंसान का अपना अपना टेस्ट डेवलप होता है या टाइम लेता है, लेकिन अब वो माशाल्लाह मेरे साथ हर सब्ज़ी बहुत शौक से खाते हैं, इन्जॉय करते हैं, मतलब मुझे कोई टेंशन नहीं होती कि मैं कुछ भी बना लूँ, वो बहुत शौक से खाते हैं। हाँ, मैं उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखती हूँ कि जो चीज़ें उन्हें ज़्यादा पसंद होती हैं वो मैं बनाती हूँ, लेकिन मुझे ये टेंशन नहीं होती कि ये सब्ज़ी नहीं खाएंगे, ऐसे नहीं खाएंगे, वैसे नहीं खाएंगे, बल्कि वो ख़ुद कहते हैं कि आपके हाथ की कुछ भी, मतलब चीज़ हो, कुछ भी बनाओ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं खुशी खुशी खाता हूँ। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना था और मज़ा आया, इन्जॉय किया, मुझे सब्ज़ी खा के ना जितने दिनों के बाद, मतलब बड़ा मज़ा आया था। खाना टेबल पे लगा दिया है, और मैं आपको यही कहूँगी कि अपने रिस्क के लिए जो भी खाते हैं, जो भी आपके घर आता है, ज़रूर ज़रूर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। मतलब हम लोग, अब जाहिर है व्लॉग में तो ये नहीं होता कि मैं बार बार यही शुक्र अदा करती ना, लेकिन मेरा दिल जानता है, अल्लाह जानता है कि मैं हर निवाले पे, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों की बात करूंगी कि हम लोग शुक्र अदा करते हैं। तो आप भी इस तरह से ज़रूर शुक्र अदा किया करें। समटाइम होता है ना, हम बिज़ी होते हैं, यहाँ वहाँ भूल जाते हैं, सही बात है, रियलिटी है, लेकिन एक आदत बन जाती है ना, तो वो फिर कभी भी नहीं ख़त्म होती है। तो ज़रूर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में बरकत डाले, आमीन सुमा आमीन।
तो हम लोग खाना खाते हैं, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज मैंने थोड़ी सी वीडियो लंबी बनाई है, बहुत ज़्यादा मुझे ना सब कह रहे थे वीडियो छोटी क्यों बनाती हैं, तो बस मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग बोर ना हो, तो आज मैंने वीडियो बनाई है और कोशिश की है कि आपके साथ थोड़ी सी लंबी वीडियो शेयर करूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आप में से किस किस को शलजम अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।